चुनाव का मौसम है, बिहार में चुनाव चल रहा है। कुछ नवयुवक अपने चुनाव में बाजी लगा रहे हैं, जिन्होंने पहले से कुछ दलों के साथ मिलन किया था, फिर दल भाग गए, फिर वो मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री से हट गए। अब आज के समय में उनको बिहार की जनता बहुत पसंद कर रही है और वो पुराने खिलाड़ी भी रहे हैं। उसके बाद उनके पिताजी के कुछ घोटाले के बाद वो अपने उनकी गद्दी संभालने में जुटे हुए हैं और होपफुली जहाँ तक लगता है कि हो सके वो इस बार बिहार के मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में प्रस्तुत हो जाएं। तो उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है पैसा बांटते हुए। अब चुनाव है और पैसा बट रहा है तो जाहिर सी बात है कि इस पे तो बात उठेगी ही। अब बात उठती है तो हम सच्चाई जान लेते हैं कि उस बारे में कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है। अब वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये युवा नेता पैसे बांट रहे हैं। बरसाती टेंट में रह रहे गरीबों के बीच पैसे बांटते राष्ट्रीय जनता दल RJD के नेता तेजस्वी यादव का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ऐसा दावा किया जा रहा है ये वीडियो तेजस्वी के चुनाव प्रचार का है और उन्होंने मतदाताओं को रिझाने के लिए पैसे बांटे। इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वार रूम AFWA ने पाया कि वायरल वीडियो 31 जुलाई 2020 का है, जब तेजस्वी यादव ने पूर्वी चंपारण में बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं सुनी थी और उन्हें पैसे बांटे थे। उस समय ना तो चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हुई थी और ना ही राज्य में आचार संहिता लागू थी। ये वीडियो आचार संहिता लागू होने से करीब 2 महीने पहले का है। वायरल वीडियो में तेजस्वी यादव अपने काफिले के साथ बरसाती टेंट के पास खड़े लोगों के बीच पैसे बांटते दिख रहे हैं। पैसे लेने के लिए इकट्ठा महिलाओं और बच्चों की धक्का मुक्की भी हो रही है। साथ ही एक भजन बज रहा है जिसके बोल हैं, तेरे हर सुख में हर दुख में ये काम आएगा। वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है, चुनाव प्रचार में नोट बांटते तेजस्वी यादव का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा हुआ है, चुनाव प्रचार में नोट बांटते हुए तेजस्वी यादव का वीडियो हुआ वायरल। कैसे कैसे कैप्शन लिखते हैं जरा हमें भी भेज दीजिए। पोस्ट पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, चारा घोटाले में कमाए हुए पैसे लुटा रहा है। एक अन्य यूजर ने लिखा, बिहार में एक वोट की कीमत 100 रुपए है। दावे की पड़ताल पर पता चला वायरल वीडियो में वाटरमार्क के रूप में वीडियो 100 लिखा हुआ है, जो यह बताता है कि इसे इसी नाम की एक वीडियो एडिटिंग ऐप की मदद से एडिट किया गया है। ऐसा लग रहा है वीडियो में हो रही बातचीत की आवाज़ जानबूझकर गायब कर दी गई है और इसमें भजन डाल दिया गया है ताकि इसकी पहचान ना हो सके। वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे कुछ लोगों ने लिखा कि ये वीडियो तेजस्वी के बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौर से जुड़ा हुआ है। हमने पाया कि वायरल वीडियो 31 जुलाई 2020 का है, जब तेजस्वी यादव ने पूर्वी चंपारण जिले के चकिया पिपरा विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया था। दौरे में तेजस्वी ने वहां के लोगों की समस्याएं सुनी थी और उनके बीच पैसे भी बांटे थे। तेजस्वी ने अपने वेरीफाइड फेसबुक पेज से इस दौरे का लाइव वीडियो भी किया था। 57 सेकंड का वायरल वीडियो दरअसल तेजस्वी यादव के इसी 16 मिनट 37 सेकंड के लाइव वीडियो का अंश है। मतलब कि इन्होंने अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद दिया था, जो कि काट पीट करके आज के समय में चलाया जा रहा है। ये सब खोजते हुए हमें नवभारत टाइम्स की 31 जुलाई 2020 की एक रिपोर्ट मिली, जिसमें तेजस्वी के पूर्वी चंपारण के बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे का ब्यौरा है। रिपोर्ट के अनुसार तेजस्वी पूर्वी चंपारण के सुगौली में बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने के लिए गए हुए थे। अचानक वहाँ बारिश शुरू हो गई तो उनका काफिला वापस लौटने लगा। इस बीच NH-20A पर तेजस्वी ने देखा कि प्लास्टिक तान कर आसियाना बनाकर कुछ बाढ़ पीड़ित वहां रह रहे हैं, तो उन्होंने अपना काफिला वहां रुकवा कर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि तेजस्वी ने बाढ़ पीड़ित परिवारों की मदद करते हुए उन्हें 200 रुपये दिए। चुनाव आयोग ने 25 सितंबर 2020 को 243 सीटों के लिए होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। बिहार में 28 अक्टूबर से 3 नवंबर और 7 नवंबर को मतदान होंगे। 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। तारीखों की घोषणा के साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू हो गई थी। चुनाव आचार संहिता होने के बाद सरकार, राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए तमाम प्रतिबंध लग जाते हैं। हालांकि बाढ़ पीड़ितों को पैसा बांटते
तेजस्वी का यह वीडियो आचार संहिता लागू होने से 2 महीने पहले का है। तो झूठ बोले और कौवा काटे और जो फैलाए उसको कोई फायदा ना हुए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, जानने के लिए हमें बताने के लिए आपको अपना कमेंट करना होगा। और कोई सुझाव चाहिए देना चाहिए आपको, अगर देना चाहते हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दें। अच्छा लगे लाइक करें, नहीं अच्छा लगता है डिसलाइक करें। किसी को बताना चाहते हो इसके बारे में तो शेयर कर दें। ऐसी वीडियो और ज्ञान वाली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सिंपल सी वीडियो होती है जिसमें कुछ ना कुछ चीजें हम बता देते हैं जो कि आप महीने भर देखते रहते हैं। आगे फिर भी मिलते रहेंगे हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्कार।